सोनोटेक कैसेट्स। लाड़ा खारो जी, इसके हाथ में कुछ दिखाई दे रहा है? इसके हाथ में वो है रस्ता है, शायद इसकी भैंस भैंस खो गई है कोई। लाड़ा खारो जी, क्राउट हो गया होगा, नकेल है हाथ में। तुम्हें पता नहीं है जी, कमंद को ले ये है कोई इश्क का मारा। ये क्या कहा आपने, इश्क का मारा है? ये इश्क का मारा लगता है। ये कौन सा हथियार है? हमारे थाने में तो अभी आया नहीं है। तुम नहीं जानते हो, हमें तो आपने दिया नहीं है वो हथियार। ये हथियार हर किसी को नसीब नहीं होता है मुल्ला डगारू। ये इश्क का हथियार कौन सा, हमें तो दिया नहीं है आपने। वक्त आने पर बता दिया जाएगा जी। कमंद को ले रहा कर में ये है कोई इश्क का मारा जी। हकड़ी क्या तोक बेड़ी से दस्तवातन का सौ सारा। हकड़ी मेरे हलके में आके मरना था तुझे, साले मारते मारते खुद मर जाऊंगा, तेरी माँ का कुछ नहीं। लाओ बे, तेरी बत्ती सी निकाल दूँ। आ भर जाइए, आ भर जाइए, गली छोटी है, ढेरी रात है, आप एक तरफ हो जाइए। ये क्यों बे, मेरे हलके में आके मरना था तुझे, तेरी बत्ती सी निकाल दूँ। अंधेरी रात है, गली छोटी है, मैं साले को मारते मारते खुद मर जाऊंगा, तेरी माँ का कुछ नहीं। मलाडकारो साले, जानता नहीं है पुलिस वाले पहले चार डंडे मारते हैं और उसके बाद ये पूछते हैं कहाँ रहता है बे। बे से शुरू होते हैं हम लोग। चल हथकड़ी लगाने दे, चाबी इधर, चाबी चाबी नीचे कर, चाबी चल लाओ। बोल कहाँ रहता है? पूछो इसे, कहाँ कागज रहने वाला है? कागज बोल, तेरे क्या नाम है, क्या कौन से देश का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है? साले मेरे हलके में मुझे डिसमिस कर आएगा क्या? साहब सर पे खड़े हैं, पुसिल बोल रही है, तू नहीं बोल रहे है? बोल कहाँ का रहने वाला है, बोल इधर आ सामने आ। अरे बोल, ये हुजूरा में गूंगा मालूम पड़ता है। क्या गूंगा है? गूंगा है, बिल्कुल गूंगा आदमी है, बोलता नहीं है। छोड़ दो इसे, हथकड़ी ले, ये नमक ले लेना, हथकड़ी ले जा, जाओ लोहे की हथकड़ी है, नमक ले लेगा जा। वो बोलता है नहीं है, क्या करोगे फिर? बोलता नहीं है, बोलता नहीं है, साहब बोले, छोटी गवर्नमेंट बोल रही है, बड़ी गवर्नमेंट बोल रही है, तू नहीं बोल रहा है? बोल बे, नशा करता है कुछ, बोल है? क्या नाम है तुम्हारा? ये बोलेगा ही नहीं, रहने दो, जाने दो, जाने दो थोड़ा, ये पिसा हुआ नमक ले ले जाओ। हथकड़ी बोल सामने देख, क्या नाम है तेरा? देखो सब काट, बो 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 बो, क्या बोला? बोला बोला है बस, यही कहा है, बो बो बो, क्या है बो? सीधा बोल, बोल बो बो है वो। अबे क्या बकरे की औलाद है, बकरे की औलाद है, क्या ये कर रहा है? वो वो तो सीधा बोल, थुप्पो इस तरह बोल, सीधा बोल, थुप्पो वो सीधा। साले मारते मारते खुद मर जाऊंगा, साले ऐसा मारूंगा चपाता तेरी माँ का कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोल बोल, पट्ठे के उल्लू बोल, पुसिल बोल रही है, तू नहीं बोल रहा है।
कैद किया क्यों आपने मुझ परदेसी को आए। ए साहेब तुम कौन हो दीजे मुझे बता। अबे ये अच्छा। पूछ रहा है तुम कौन हो, अबे फीस नहीं पहचानता है, हैं वर्दी नहीं देख रहा है कौन हो, ये पूछता है तुम्हें साहब कौन हो, क्या इन्हें राजस्थान रोडवेज का ड्राइवर समझता है ना। रहने दो, कोई बात नहीं, बोल बे पच्छे के उल्लू बस। ओ कौन आप, किस लिए मुझे पकड़ा है, किस लिए सत जक ना है। मेरे हलके में मुझे डिसमिस कराएगा, बोलने दो, नहीं बोल पट्टे के उल्लू मैं बोल। महाराज मैं क्या मंदिर है, महाराज कह रहा मैं सरकार बोल, सरकार किया क्यों मुझको मुफ्त यसीर, क्या कसूर मेरा और भरी छो दस्त पाँव जल जी, क्यों मकर करे मकर न मुझको जाने, हर एक वाल रौब कुल कचेरी हाजिर ये हाजिर हो खुद आई करूंगा इज, क्यों करता हमसे बात ये अक्ल हुनर की, क्या सनद अंगूठी तेरे छल्ले छाप मोहर की, क्या सनद है इसकी।
साध्याय जान ली है तू पखाचोर। अरे तुझको छोड़ू नहीं ये दिलाऊंगा शूली तुझको को जाए ये खुदा को देना पड़ेगा जवाब। ये रात में आने का ये कौन सबब है घर में कमंद लाने का क्या मतलब है। सौधे जान ली है तू पका चो अरे तुझको छोड़ू नहीं ये दिलाऊंगा शूली तुझको रहता है तेरी जमानत दे सकता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो गबरू है। गबरू तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं हेरात का रहने वाला हूँ। हेरात के रहने वाले हो? जी हाँ। यहाँ पर किस लिए आए? यहाँ क्या काम करते हो? यहाँ यहाँ पट्टे के उल्लू यहाँ मैं सौदागरी का काम करता हूँ। भुलाया था मारूंगा सौदागर हो जी हाँ। मारूंगा कम और घसीटूंगा ज्यादा। गबरू तुम्हें हम छोड़ सकते हैं अगर कोई तुम्हारी जमानत दे देता है तो हम तुमको छोड़ देंगे। हाँ तुम्हें कोई जानता है? जानता हुआ आदमी है कोई तुम्हारा जमानती है या जवाब दे सकता है कोई? हाँ मेरे वालिद रहते हैं। रहते हैं जी। अच्छा बताओ कहाँ रहते हैं कौन सी जगह रहते हैं? मेरा बदन कसा फौलाद से ये दुख है मेरा ये करो न मुझको तंग। अभी तंग कहाँ किया है? कोतवाली में करूंगा तंग तो। कीजे न मुझको तंग ए हजरत जरा कीजे रहे ये ठुकवा तल मेरे तक चलो फरमाइए इतना करम। कौन है वहाँ? कौन है? वालिद हमारा आपको मेरी जमानत देगा ये कहे वो आपसे अपनी अमानत लेगा। तेरी अर्ज कबूल की सुन सादे मेरी बात कहाँ रहे वालिद तेरा मैं वहीं चलूंगा तेरे चलूंगा
साथ में देखूं कहां तेरा वतन। जब तक न होगी जामनी तब तक कसे रखूं बदन। गर हो गई तेरी जमानत मैं छोड़ तुझको आऊंगा। होते फजर फिर रोबरू दरबार शाह के लाऊंगा। ठीक है, तुम्हारा वालिद यहाँ पर रहता है? जी हाँ। मैं लड़ करूँ? जी। मुल्ज़िम को इसके वालिद के पास। आप भी इसकी बातों में आ गए हुजूर। क्यों? बदमाशों के कई बाप होते हैं। क्या मतलब? बिल्कुल बदमाशों के बाप नहीं होते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? ये तो अपने आप ही निकल भगते हैं बदमाश। क्या भगते हो मुलाकात? मेरी समझ में नहीं आता। आप नहीं मानते, चलिए बदमाशों के बाप नहीं होते हैं कहीं। अरे मुल्ज़िम फरमा रहा है उसका वालिद यहाँ पर रहता है। देखिए बरसाती मेंढक और बदमाश इनके बाप नहीं होते, ये तो अपने आप ही निकल भगते हैं। बरसात में पहली बरसात जब हुई मेंढक निकल भगेंगे अपने आप। इस तरह से ही ये बदमाश जो होते हैं इनके बाप नहीं होते हैं। बल्दियत नहीं चलती है इन लोगों में। वो बता रहा है। चलिए चलिए बता रहा है तो चलिए चलो चलिए। अब आ गया बेटे चक्कर में। हाँ बगैर चलिए 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 आइए आइए। अभी साहब आए हैं और तबादला होके आया है। और ये ऐसे हैं, ना लेते हैं ना लेने देते हैं, वो हम लोग काम चला लेते हैं। हाँ आप मुझे छोड़वा दोगे? हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे हम। अच्छा एक काम कर, 100 रुपये डाल हमारी जेब में। मेरे पास नहीं। 100 नहीं है तो 80 दे दे चल। मेरे पास 80 भी नहीं। 80 नहीं है चल, 60 रुपये दे दे, हम दो आदमी 30-30 रुपये ले लेंगे। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। गरीब है तो पैदा क्यों हुआ है फिर तू? है साले इतना मारूंगा जो मारते मारते खुद मर जाऊंगा, और मारूंगा कम घसीटूंगा ज्यादा। हैं साहब अभी आए तबादला होके, ना लेते ना लेने देते, इतना मारूंगा। हाँ पैदल नहीं, ये कह जी हाँ ये कह रहा सा पैदल नहीं चलूंगा, दूर है यहाँ से। अभी तेरे लिए हम टांगा लाए, रिक्शा लाए, क्या लाए थे? हैं पट्टे के उल्लू पैदल नहीं चलेगा, तेरी माँ का कुछ नहीं। चल चल अभी आए हैं साहब, ये नहीं लेते हम लोग काम चला लेते हैं। ला निकाल। तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। 60 नहीं है तो चल 40 रुपये दे दे, 20-20 ले लेंगे, कोई बात नहीं। जल्दी कर यार। नहीं मेरे पास नहीं कुछ। अबे अफसर सर पे खड़े मरवाएगा क्या, हमें डिसमिस कराएगा? मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मेरे पास नहीं कुछ। बाल बच्चे दारे हैं, चल 20 रुपया दे दे, 10-10 ले लेंगे, कोई बात नहीं। चल जल्दी कर निकाल। हाँ जल्दी कर जल्दी कर। मेरे पास कुछ नहीं है जी। है नहीं कुछ नहीं है ना, 20 भी नहीं है? नहीं। 10 रुपया दे दे, क्या बात है उसमें। हाँ कुछ ना कुछ तो देगा ही, ऐसी बात नहीं है। निकाल निकाल जल्दी कर। नहीं मेरे पास नहीं। नहीं है तो बीड़ी बेंडल तो दिला देगा। मैं पीता नहीं हूँ। पीता नहीं हूँ पट्टे के उल्लू। क्या क्या दे रहा था तेरे वक्त तो क्यों लग रहा है? वो ये कह रहा है सिगरेट विगरेट कुछ बीड़ी बीड़ी पिला दो। अबे हम दुनिया की पीते ही हमारी पूछिएगा। नशा करता है। अबे तू पुसल की पिएगा? सीधा चल रही हम दुनिया की पीते, हमें दुनिया पिलाती, तू हमारी पिएगा। चल चल निकाल जल्दी कर। साहब को क्या दे रहा था? मैं ये अंगूठी थी। अंगूठी थी ला जा जल्दी कर। साहब से मत कहना मुझे छोड़ दो। ये ऐसे हैं, हमें भी जेल में सड़ा के मार देंगे, लेते नहीं है ये काम। ठीक है नंबर 4 चौराहे पे टेढ़ी गली में मकान थे। हाँ। हैं हम छोड़ देंगे, हथकल ढीली कर देंगे, निकाल के भाग जाना। अच्छा ठीक है। और ये कमंदे फेंकेंगे इसको लेके भाग जाना। चलो और डंडा मारेंगे फेंक के डंडे को लेके भाग जाना। चल चलो चलो उल्लू के पट्टे पट्टे के उल्लू यही गली है? यही है ना, ये सामने वाली गली। हाँ। नंबर 4 है ये? हाँ। वे नंबर 2 है। 2 है? हाँ 2 नंबर है। आओ आगे चलो। हाँ चलो आगे चल। साहब से मत कहना। हाँ साहब से मत कह देना। आप छोड़ दो मुझे। कौन सी गली है ये? ना ये आ गई क्या? हाँ। अबे ये बोर्ड लगा हुआ 3 नंबर आया अभी तो, खामा खा मुझे परेशान कर रहा है, आप भी परेशान हो रहा है। आगे चलिए। साहब सर पे खड़े हैं, आगे चलिए आगे चलिए। क्या कितनी दूर है, मरवाएगा क्या? नहीं, नहीं, थोड़ी दूर है, ज्यादा नहीं, थोड़ी दूर। अंधेरे में कौन जाएगा अंधेरे में? छोड़ दो। हाँ अब मुझे छोड़ दो ना। क्या क्यों छोड़ दे तुझे? दिया ना लिया ना, मुझे छोड़ दो कुछ भी। मैं शिकायत कर दूंगा सर से। हाँ अच्छा कर दो शिकायत। क्या रे इतना मारूंगा जो हम पैदल चल रहे हैं, ये बैठ के चलेगा? बताइए चला नहीं जा रहा। बताइए साहब, साहब पैदल चल रहे हैं, हम लोग पैदल चल रहे हैं, पट्टे के उल्लू। क्या भाई तू चलता क्यों नहीं है? पुसिल को मरवा गया, तू कहाँ अंधेरे में ले जा रहा है? नहीं सर ये बात नहीं। कौन सी गली में जाएगा? क्या बात है? ये कह रहा है सामने इस गली में चलो, इस गली में चलो। इनके पास मेरी अंगूठी है। हाँ इस गली में चल के। इस गली में? हाँ
इस गली में इसका वालिद रहता है क्या? अजी वालिद नहीं, इसमें सोनोटेक कंपनी है। सोनोटेक? हाँ, केसेट बनाते हैं वो लोग, हंसराज जी है इसी गली में। हाँ हाँ, सोनोटेक कंपनी इसी में है वो केसेट कंपनी। माँ मैं क्या केसेट खरीदेगा? इसमें बदमाश रहेगा, मारूंगा, इतना मारूंगा जो नहीं। सर और भी बात है ना माँ, वो सुनेगा, डांस देखेगा माँ। हाँ डांस देखेगा वहाँ, सब तरह के सेट बिकती है। इन्होंने मेरी अंगूठी ले ली है ना, भजन बिकता है। मैं आपको जमानत की बतौर वो अंगूठी दे रहा था। है अंगूठी? अंगूठी में दे रहा था ना आपको, वो इन्होंने ले ली अंगूठी। अंगूठी ओ हुजूर, ये अंगूठी अपना काम बता रहा है, वो जिला आगरे में पड़ता है। अभी तो शहर में ही बसा रहा है। अबे ये पूरा, अबे पूरा अभी अंगूठी बताता है, अंगूठी का बताता है बेवकूफ। नहीं सर ये बात नहीं है। अभी कह रहा था बाप है मेरा, यहाँ इतना मारूंगा। अभी नाम मत लेना उनसे, मरवाएगा क्या, हमें डिसमिस कराएगा, पट्टे के उल्लू। इनके पास मैंने अंगूठी है सर। किसके पास है? इनके पास, आपके पास है। अच्छा मारूंगा, कमर घसीटूंगा सब पट्टे के उस साले। लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़ है हुजूर, बताइए इसकी बातों में। नशा करता है क्या? है क्या है तेरे पास, दिखाना कुछ है तो नहीं जेब में? कुछ नहीं। चलो इसे बंद कर दो हवालात में, ये हमको पागल बना रहा है। बाप है, कोई बाप बाप नहीं। चलो लड़कारू, चलो आओ लड़कारू। जी कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा है। क्या गड़बड़ है जी? ये अंगूठी, अंगूठी बार बार ये मुल्जिम कहता है जी। अंगूठी काम बता रहा है, ये जिला आगरे में काम। मैं सच कह रहा हूँ, उनके पास मेरी अंगूठी। ऊपर खाली जमीन है, ट्रैक्टर भी नहीं जाएगा वहाँ, कहाँ ले जा रहा है हमको तू? हम लोग नहीं जाएंगे। मुल्ला डकारू, पूछने दो थोड़ा। अच्छा पूछ लो। इन्होंने मेरी जो अंगूठी बात करता है, आपको मैं दे रहा था ना, वो अंगूठी इन्होंने ले ली। और ये कह रहे थे मैं 4 नंबर चौराहे पर तुमको छोड़ दूंगा, हथकड़ी ढीली कर दूंगा, भाग जाना, और ये कमंद भी ले जाना, और मैं पीछे से ये बैत मारूंगा, इस बैत को भी लेके भाग जाना जी। अच्छा हाँ जी, मुल्जिम क्या कह रहा है? मुझे क्या मालूम क्या कह रहा है, आप सुनो क्या कह रहा है। मुझे क्या मालूम, तुमने नहीं सुना? मैंने तो नहीं सुना, मैं तो इधर देख रहा था, ये बोर्ड पढ़ रहा था मैं क्या लिखा। मुल्जिम कह रहा है कि तुमने इसकी अंगूठी ली है। किसने ली है? तुमने। माँ कमाल है, बाबा कमाल कर दियो। आप भी ऐसी बात करते हो, मैं कभी रिश्वत लेता हूँ? है रिश्वत लेने वाले देने वाले के मुंह पे थूक कर देता हूँ। मैं मानता हूँ, कमाल करते हैं आप। तुम पंच वक्ता नमाज पढ़ते हो जी, 300 रमजान रखते हो बेशक, लेकिन मुल्जिम इस बात को कह रहा है तो कानून सबके लिए बराबर है। बराबर है बिल्कुल। गबरू गबरू तो मैं हौसला बख्शा चाहता है, मुल्ला डकारू की तलाशी ले सकते हो। मेरी तलाशी? कमाल है, कमाल कर दिया। आप ये तलाशी लेगा हमारी, गवर्नमेंट की ये तलाशी लेता है, हम दुनिया की लेते ही हमारी तलाशी लेगा। कमाल है, ये हमारी लेगा, हम इस दुनिया की लेते हैं क्या तलाशी? जरूर लेगा। और आप देखते रहेंगे ये लेता रहेगा मेरी क्या तलाशी? जरूर लेगा। और आप देख, आपको शर्म नहीं आएगी जब ये मेरी लेगा तलाशी? कमाल बल्लाड़ा कारू जी, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, उस सीधे खड़े हो जाओ। ठीक है सीधे, अगर मेरे पास नहीं निकली तो फिर आपकी भी लेगा, बाद में देखा क्या तलाशी। हाँ तो सब फिर इसके नूर अली की भी लेगा। नूर अली खड़ा सीधे, अब देख लो वो पीछे वाला जेब से ला हुआ खामा खा, उसकी चुनला उधेड़ रहा खामा खा, देख लो तुम इसकी बात। कहीं नहीं है जी ऐसा, हम करते नहीं है, हम लोग ऐसा करते नहीं है। उस देख लो कहीं भी नहीं है, कहीं है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। इनके मुंह में मालूम पड़ती है। मुंह में क्या, तमाम खाया अभी अभी, पान खिलाया था इसने। तलाशी लो, देख लीजिए हुजूर, कोई तलाशी आपको कहीं सुबह है देख लो, इनके मुंह में मालूम पड़ती है अंगूठी। मल्ला डकारू जी, ये तुम्हारी आवाज में क्या हुआ? वो अभी अभी पान खिलाया था वो, उसमें किसने पान खिलाया? इसी ने खिलाया था चौराहे पे। छूट आप आ गए थे बच्चा पैसा। मल्ला डकारू जी, तुम मस्जिद में जाते हो? मैं मस्जिद में जाता हूँ जी, नमाज भी पढ़ता हूँ। अच्छा हाँ जी, अजान कैसे लगाते हो? अल्लाह हो। ये क्या है? हुजूर इसने चौराहे पे पान खिलाया था और बजाय इसने छाली के उसमें अंगूठी घुसेड़ दी। क्या वक्त हो, मैं यही सोच रहा था कि इसमें छाली खर्ची क्यों नहीं है। मुल्ला डकारू पट्टे के उल्लू,
सरकारी नमक खाते हो, रिश्वत लेते हो। माफ करना, शर्म नहीं आती है? शर्म आती है मुझे, दिन में आती है। माफ करना, मैं तो थोड़ा ही नमक खाता हूँ, मगर आप तो डेला ही डेला चला जाते हो। आमला ना करो, चलो चलो चलो, लगा आवाज। यही है तेरे बाप का मकान? तेरा बाप यही है? लगा आवाज बुढ़े को। बाबा जान, आफत बेटे पर पड़ी, सुनिए बाबा जान। बाबा जान, आफत बेटे पर। तुम्हारा लड़का चिल्ला रहा है, कोई है भाई? आए आए, सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वक्त इशा अल्लाह की, मैं पढ़ रहा नमाज, ये किया इबादत में खलल तो किस पाजी ने, आन है कौन इस वक्त जो गम की भरी ये आवाज दी, बेवक्त मुझको सताया, पढ़ ले न मुझे नमाज दी। रो रो बहावे अश्क क्या, सर पर बलाया लाया यहाँ, और कभी को बतलाए दे तू कौन है, रहता कहाँ। मियां ये क्या बतलाएगा, मैं बताता हूँ जी। महल तले देखा खड़ा, कर में लिए कमान, ये चोर समझ पकड़ा मैंने, ये मियां तेरा फर्जंद को लीजे छुटा, देकर जमानत रात भर मुख चूम लो, पुचकार लो, कर लो मोहब्बत रात भर, होते ही रोशन चश्म में शूली पे चढ़वाऊं फजर, मेरा कुटुम तेरे कम हूं, आंसुओं से धुलवाऊं फजर। अल्लाह, इसकी जमानत दे सकते हो बाबा जान? तोबा, तोबा, तोबा। ये बाबा जान, तुम जमानत दे सकते हो? तुम्हारा लड़का है ये? अना मियां कुल्ली करो। कुल्ली, जानिर बनू न ख्वाब में, और मैं इसका कुतवाल, वो क्यों आज अपने सर पर खामा खाजी, मैं क्यों आफत लूं डाल। खौफ से और रूह हमारी कांपे। अच्छा, समझाया नहीं? समझाते समझाते मियाज मेरे ये छाले पड़े ज़बां पे। Thank you.
कहाँ जाता है? अरे जनाब मैं क्या बताऊँ आपको, कहाँ जाता है? आप तहजीब आता है, पढ़ा लिखे आदमी, हम पुसल में भरती हैं। जरा समझिए कि मियाँ रात को चपातियों को कुत्ते लेके भाग जाते हैं। अच्छा चपातियों को जी 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 कुत्ते लेके भाग जाते हैं। इंतजारी में बहू बैठी रहती है बेचारी, ओ हो हो हो, और मियाँ जी के पते ही नहीं कहाँ गायब रहते हैं। फिर जाता क्योंकि ये पूछ रहा आज ही सख्त रात के वक्त। अच्छा ये इश्क कूचा रोजाना ना पे, यहाँ भी इश्क आया है ठीक है जी। अच्छा कितने बजे आता है? मैं कहूँ हल्फ से एक दो बजे ये आवे रोज मकाम। इसका क्या शुमार है बड़े एक, एक तो इसका रोजाना का बजाने का है ये, और दो भी बजा देता किसी दिन है? जी हाँ दो दो बजा देता जी हाँ मियाँ, किसी दिन दो बज जाते हैं रात भर में। हाँ हाँ दो बजे आता है, इनको शुमार नहीं है। शुमार है, तीन तीन भी मौका लग जाए तो तीन बजा देता। जी 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 हाँ तीन भी बजा देता होगा। मैंने बहुत समझाया, आपने समझाया फिर ये माना नहीं? अजी नहीं माना समझाया और किया इसने जैसा ही पाया। नहीं माना समझाया और किया इन जैसा ही पाया, अब कोई बात मेरा कुछ नहीं काम है। आप इसकी जमानत दे दो कोई। कौन जमानत करे वो इंद्रमन पहुँचे स्वर्ग धाम है। मियाँ जमानत करने वाले तो स्वर्ग पहुँच गए, इसकी कौन जमानत करे। मैंने कहा बड़े मियाँ जी आपका लड़का है गलत रास्ते पर भटक गया है, समझाने का फर्ज होता है। ओहो, हो सकता है आगे सुधार हो जाए, इसलिए बेहतर इसी में होगा कि आप जमानत दे दीजिए। खुदारा मैं आपसे क्या कहूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैंने बहुत समझाया, कहा ना मैंने कि मेरी जबान पे छाले पड़ गए, छाले पड़ गए, इसको समझाते समझाते लेकिन ये बाज नहीं आया। वैसे हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हुजूर बात कर लूं मैं? बिल्कुल सही नसीब, नसीब है आप मुझसे बात करें। आप ये तो बता दे कहाँ तक बात कर लूं। कहाँ तक कर लूँ, मतलब क्या वो लड़ा जी कहाँ तक बात कर लूँ, तो शर्म नहीं आती। अच्छा अच्छा शर्म आती है ठीक है, दिन में आती है। तो अब्बा जान हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं। जी मैं अब्बा उसका हूँ आप। नहीं हम बुजुर्ग हैं हमारे भी अब्बा ही। दूसरी बात तो ये पूछना चाहता हूँ मैं, ये वैसे लड़का आपका ही है? जी सब आपका तो फैल है, अल्लाह का तो फैल है, आपका ही है। मेरा ही है जी जी। हाँ बुड्ढे मुझे मरवाएगा। तौबा तौबा मैं कमाल कर दियो, मेरे सर पे है अफसर खड़े हुए और आप ये कह रहे हैं बड़े मियां के आपका ही है। देखिए है मुझे मरवाएगा बुड्ढे। जनाब आप घबराइए नहीं, बुड्ढे मुझे मरवाएगा क्या? तौबा 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 क्या आप मरवाओगे, मरवाइएगा, मरवाइएगा, मुझे मरवाएगा क्या बुड्ढे? अरे अल्लाह करे आपको, आपके मरे आपके दुश्मन। भाई ये सर पे साहब खड़े हैं ये कह रहे हैं मरे आपके दुश्मन, आप ही कह रहे हैं। मियाँ मैं ये कह रहा हूँ जी कि ये कहावत में आ जाता है। अच्छा अल्लाह के फजल से लड़का तो ये मेरा ही है, आपका ही है। हुजूर कानून बदल गया, बजाय इस लड़के के इस बुड्ढे को सजा दी जाए। किस लिए? ऐसा लड़का इसने पैदा क्यों किया, इसको सजा दी जाए बुड्ढे को। हाँ ऐसा लड़का इसने पैदा क्यों किया? लड़का शरीफ पैदा करना था, शरीफ पैदा करते चार छह महीने पछड़ के करते। ये मेरे हाथ की बात है और किसके हाथ की बात है? आपने एक सरकारी वर्दी पहन ली और आप बुड्ढे जाइए धक्के मार रहे, जेल में सड़ा दूंगा। सुनाई तो बुरा मान गए, कौन से कैप्सूल खा रहा है गर्म है थोड़ी है, तो अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा तुम्हारे हाथ बड़े मियां आप जमा, वो हाथ की बात क्यों नहीं है हुजूर? आप कैसे बात है, हाथ की बात है, क्या बात है? अंधेरे उधेरे का फर्क है सब। आगो होश ठीक है बड़े मियां, ठीक है चलो ठीक है, जाइए ले जाए इसको, चलिए। अरे किसके मकान पे लाया है, मरवाएगा क्या है? किसके मकान पे लाया है?
वक्त बड़े बा क्या गबरू, तुम्हारे वालिद ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाँ। बोलो वक्त पड़ी परिया खुदा मिट नहीं बाप की आस, ये मोबी दुश्मन बन गया रे, अब जाए कौन के पास। किसी का कोई नहीं है जहां में, जाकर के अज मामे यार तुम्हारा क्या सुने यार तिफल फरियाद, तरस नकी ना बाप ने, बेटा तू है जिसकी औलाद। बाप ने सीना किया तो खड़ा है, क्या सोचे खड़ा तो खड़ा। चलो गबरू रहा पुकार, ये छुड़ा पूछे इस दाम से मेरे बाला फन की, मेरे बाला पनखिया उठ कर बोल तो सी, मेरे बाला मेरे यार खमरुद्दीन, ओह।
पत्थर भी तरस करे ने के अपनी खून के बार ये तो इनके यार की आवाज है और ये बेसुध होके सो रहे हैं, अब मुझे नहीं जगाना चाहिए। मद छकिया मारे पी जागो चेत तो क्या हमारे यार को कोतवाल ले आइए, उन्हें छुड़ा के लाइए, हमारी तलवार को लाइए। ये गुलचे दानी ना जनी ओला सिर सब सेर मैं लाऊ यार छुड़ाए कर अब करू ना पलकी तेरी।
अजमियान कर लीजिए खंजर जमानत दीजिए सा हाँ। अजमियान खा जहर खोलता
राधा जो कुछ तुमको लो कमलिया हाथ मर्दमी तुम दोनों दिखाबो यार कमरुद्दीन कहे यार घबरू घबरू भूख है नस नस मेरी भैया तड़पात है प्राण छुड़ाई ले तू मती लड़ाई हाँ भैया सरकार से लड़ने में कोई फायदा नहीं रहता आज रात की रात मेरी जमानत दे दो ना ठीक है तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी जमानत करा दो ठीक है लिखिए जमानत लड़ करो जी जमानत देने के लिए कमरुद्दीन तैयार हो गया है जी जमानत लिखिए जमानत किस में लिखे दफ्तर तो वहीं रह गया क्या बकते हो क्या बकरे कहाँ हैं खस्ती हैं अब बकते नहीं हम लोग दफ्तर में नहीं दफ्तर में रह गया वहीं तो जमानत लिखी जाएगी फिलहाल रोज नाम चम लिखो हैं फिलहाल हाँ अच्छा ला भाई जब लाओ पेन ला क्या नाम है क्या तुम्हारा दीन है बोलो लाओ पेन ला उठा के लाया नहीं है दफ्तर से तेरा भी दिमाग खराब हो गया है लिखिए जी बोलो क्या नाम है मेरा नाम गौरव है बोलो गौरव सीधा कर दूंगा देखा क्या है हाथ में ठीक है लिखिए हाँ बोल मलिक हमारा बाप अच्छा कमरुद्दीन माम नाम है जी क्या लिखा है हाँ मुल्क तुम्हारा बाप मुल्क क्या होता है ये बोल रहे हैं मुल्क तुम्हारा बाप मुल्क तुम्हारा ए जी कोई बाप है और मुल्क ही तो बोला है मैंने मुल्क नहीं बोला था और क्या मालिक मार अच्छा पिछोली मालिक हाँ, पिछोली मालिक नुक्ता लगे नुक्ता लगेगा इस पे मालिक बोलो मालिक हमारा बाप कमरुद्दीन मम नाम है लिखे जमानत आप दीन मेरा इस्लाम है मिले न तेरा यार अगर फजर को इसे जगह है मैं दिलवा दूंगा दार इसकी ये बज में तुझे बज गबरू की मुझे कुछ गम नहीं आप मुझे अभी दिला दो दार आप मुल्ला डकारो जी मुल्ज़िम को रिहा कर दिया जाए मुल्ज़िम को रिहा कैसे कर दे हुजूर चाबी तो वो एक चाबी थी अलमारी में रह गई अलमारी में रह गई हाँ अलमारी में एक चाबी थी वो अलमारी में रह गई ऐसा क्यों हुआ हाँ छोड़ आए वहाँ में क्या है? है चाबी लगा दी अरे हाँ है ऐसा नहीं हुआ है नाड़म नाड़म बंधी हुई है चाबी अच्छा हाँ उसी से काम लो चलिए ठीक है चलिए